सो गाइस, थंबनेल और टाइटल पढ़ के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं। तो गाइस, हम बनाने वाले हैं डीसी सोल्डिंग आयरन जो 12 वोल्ट से वर्क करता है। तो इस वाले वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग लेना होगा कॉपर वायर, जो 20 नंबर का कॉपर वायर है। इससे आप पतला भी ले सकते हो और या मोटा भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्लीबिंग ट्यूब जो 2 नंबर का है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे हम लोग काट लेंगे, ठीक है, स्लीबिंग ट्यूब को। तो चलिए इसको काट लेते हैं, तो नाप लेते हैं, उसके बाद हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो मैं इतना बड़ा कुछ इस तरीके से काट लिया हूँ। उसके बाद गाइस, इस स्लीबिंग ट्यूब के अंदर इस कॉपर वायर को हम लोग डालने वाले हैं। तो ये पीछे तरफ से नहीं जा रहा है, तो मैं आगे तरफ से इसको डालूँगा, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस, आप लोग कितना मोटा इसमें है, मतलब कॉपर वायर जो 2 नंबर के स्लीबिंग ट्यूब में इजीली आ रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो ये इस तरीके से आप लोग हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कॉपर वायर लेंगे जो 24 नंबर का है। तो इससे पतला भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे गाइस, इसको हम लोग माचिस से इसको जलाएंगे, क्योंकि गाइस उसके ऊपर होता है एक कोटिंग, इसको जलाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसको जला लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने जला लिया, देख सकते हो इसका कोटिंग हट चुका है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो इसका एक साइड है गाइस, इधर हम लोग एक को इस तरीके से मोड़ लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से जोड़ देंगे। तो जोड़ना आप लोग को टाइटली है, ठीक है। तो मैं जोड़ ले रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक और कॉपर वायर, और इसको भी हम लोग कोटिंग हटा लिए हैं। और इसके जो दूसरे साइड है गाइस, इसको हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग लपेट देने वाले हैं कुछ इस तरीके से। तो चलिए इसको जॉइंट कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने इसको जॉइंट किया है। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रहा हूँ नाइक्रोन वायर, जो ईजिली गाइस आप लोगों को कहीं भी सोल्डिंग आयरन में आप लोग को मिल जाएगा, जो मैंने निकाल लिया है, ठीक है। ये नाइक्रोन वायर है, ठीक है गाइस। तो आप लोग इजीली आप लोग किसी भी जगह से निकाल सकते हो। मैंने ख़राब सोल्डिंग आयरन से निकाला हुआ था, तो देख सकते हो मैंने इस तरीके से इतना बड़ा कुछ इस तरीके से है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे गाइस, जहाँ पे मैंने 2 कॉपर वायर को जॉइंट किया है, तो 1 कॉपर वायर से हम लोग जॉइंट करके इसमें हम लोग 7 से 8 राउंड मार के, और दूसरे कॉपर वायर जहाँ पे गाइस हम लोग सोल्डिंग किए, मतलब जोड़े हुए थे, वहाँ पर हम लोग इसको जॉइंट कर लेंगे। तो 7 से 8 राउंड आप लोग को मारना है। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हो इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको चलिए कंप्लीट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एलिमेंट हो चुका है कंप्लीट बनके, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कॉपर वायर में हम लोग स्लीबिंग ट्यूब को चढ़ाने वाले हैं। तो ये 2 नंबर का स्लीबिंग ट्यूब है, 1 नंबर का आप लोगों के पास है तो आप लोग यूज करना, ठीक है। तो देख सकते हो मैं इस तरीके से इसको करने के बाद इसके एक कॉपर वायर में हम लोग इस तरीके से डाल देंगे, क्योंकि गाइस जब हीट होगा तो कॉपर वायर कट ना जाए या किसी भी तरीके से हट ना जाए, ठीक है। इसलिए मैंने सेफ्टी के हिसाब से इसको कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हम लोग एक 4 नंबर का स्लीबिंग ट्यूब लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे हम लोग चढ़ा देंगे, ठीक है, काट के। तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस तरीके से चढ़ा लिया इसके ऊपर। तो इस तरीके से एलिमेंट हो चुका कंप्लीट। उसके बाद हम लोग एक पाइप लेंगे जो सोल्डिंग आयरन, ख़राब सोल्डिंग आयरन से आप लोग कट करके निकाल सकते हो। तो देख सकते हो मैंने इसके अंदर इस तरीके से हमको डालना है। तो देख सकते हो मैंने इस तरीके से मैंने इसको डाल दिया है, देख सकते हो गाइस आप। तो डालने के बाद गाइस आप लोग को क्या करना है, आप लोग को लेना है, देख सकते हो इस तरीके से हो चुका है। उसके बाद आप लोग को लेना होगा एम सील। तो देख सकते हो ये एम सील है गाइस, जो 10 रुपये में इजीली आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें गाइस आप लोग 2, मतलब लिक्विड नहीं तो बोल सकते, लेकिन दूसरा कुछ भी चीज़ है, 2 आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पदार्थ आप लोग को मिलेगा 2। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा दोनों ले लेना, और दोनों को आप लोग अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। तो दोनों को मैंने ले लिया, और इसको मैं वापस से पैक कर लेता हूँ, और इसको आप लोग को अच्छे तरीके से मसलना है। तो देख सकते हो मैंने इसको अच्छे तरीके से मिला लिया है, और हाथ भी काला हो चुका है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग इस तरीके से डाल देंगे एम सील को। तो चलिए इसको डाल के कंप्लीट करते हैं।
तो गाइस देख सकते हो मैंने एम सील को आगे और पीछे दोनों तरफ मैंने डाल दी है। उसके बाद आप लोगों को लेना होगा एक बांस का टुकड़ा, आप लोग पाइप भी ले सकते हो, ठीक है, पीवीसी पाइप होता है उस पर ले सकते हो। उसके बाद हम लोग एक वायर लेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग इसको डाल देते हैं इस तरीके से। डालने के बाद गाइस आप लोग ये वायर को हम लोग छील लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग दिखाता हूँ। तो इसको छीलने के बाद आप लोग को क्या करना है गाइस कि इसके ऊपर आप लोग को ये जो दो वायर आप लोग दिख रहा है इसको हम लोग पहले जला लेते हैं, उसके बाद गाइस इसको हम लोग दोनों वायर जो निकला हुआ है उसको हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो ऊपर है जो इसको हम लोग जला लेते हैं। तो देख सकते हो मैं इसको जला लिया हूँ। उसके बाद गाइस स्लीपिंग टू हम लोग चढ़ा लेते हैं। उसके बाद गाइस हम लोग इसको हम लोग जो एलिमेंट से दो वायर निकला हुआ है और जो हम लोग दो वायर लिए हुए हैं तो उसको हम लोग दोनों को इस तरीके से जोड़ के और स्लीपिंग ट्यूब इसको हम लोग चढ़ा देंगे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने इस तरीके से जोड़ने के बाद जो स्लीपिंग ट्यूब हम लोग वायर में लगाए थे तो इस वायर के ऊपर हम लोग इस तरीके से डाल देंगे जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। तो इसको हम लोग डाल देते हैं। यहाँ पे आप लोग टेपिंग भी कर सकते हो लेकिन सबसे आसान यही होता है कि आप लोग स्लीपिंग ट्यूब डाल दो। उसके बाद हम लोग अच्छे तरीके से इसके अंदर हम लोग बांस के अंदर इसको हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं डाल रहा हूँ गाइस, पीछे आप लोगों को वायर थोड़ा थोड़ा खींच के, ज़्यादा नहीं खींचना है, ठीक है। डालने के बाद गाइस ये देख सकते हो मैंने फिक्स का पाइप लिया था, मतलब पाइप नहीं बांस लिया था, इसके अंदर देख सकते हो ईजिली आ रहा है गाइस, देख सकते हो ये आज। तो गाइस इस सोल्डिंग आयरन को टेस्ट करने के लिए ले रहा हूँ यहाँ पे 12 वोल्ट का UPS का बैटरी, ठीक है। तो ये सोल्डिंग आयरन है और इसका जो दो वायर है इसको आप लोग को बैटरी का प्लस माइनस में लगा देना है, किसी भी तरीके से आप लोग लगा सकते हो, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों वायर को जैसे ही आप लोग लगाओगे उसके बाद आप लोग देखना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं एक और वायर को लगाता हूँ तो सोल्डिंग आयरन से स्मोक निकालना शुरू हो जाएगा, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो सोल्डिंग आयरन में गाइस आप लोग स्मोक आप लोग देख सकते हो, तो घबराइएगा मत, ये जो हम लोग स्लीपिंग ट्यूब डाले थे वो अभी जल रहा है इसलिए स्मोक निकल रहा है। तो देख सकते हो कुछ देर मैंने चला के छोड़ा था, उसके बाद गाइस ये स्मोक बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। तो चलिए मैं आप लोगों को टेस्टिंग कराता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो सोल्डिंग जो वायर है ये अच्छे तरीके से पिघला रहा है गाइस। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो का लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।